और एक श्लोक मैंने पढ़ा तो मेरी आंख में आंसू आ गए। 14 साल बाद राम लौटे, राज्याभिषेक किया। महाराज भरत ने कहा कि प्रभु आप आ गए, बैठिए। तो भरत ने 14 साल सबने जो सहायता की सबको प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ के पैर छुए, माताओं के पैर छुए, अपनी माता कैकेयी के भी पैर छुए राम के कहने पर, सबके पैर छुए। इसमें एक जगह आई जहां भरत जब सीता के सामने पहुंचे, भाभी के सामने, भरत ने अपना सिर सीता के चरणों में रख दिया। अच्छी बात है, भाभी के चरणों में रखना ही चाहिए, हमारे यहां तो भाभी मां के समान होती है। मैं इस अनुभव को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैं 4 भाभियों का देवर हूं, तो मैं उनका स्नेह भी जानता हूं, मेरे प्रति उनकी कृपा भी जानता हूं, मेरे प्रति उनका ममत्व भी जानता हूं, उन 4 भाभियों का। कवि लिखता है कि लंकेश्वर प्रणति भंग दृढ़वतम तद्वनदम युगम। जब सिर रख दिया सीता के पैरों में तो अन्योन्य पावन मबूत भूयम समेत्वा, यानी उस सिर ने और पैर ने एक दूसरे को धन्य किया। तो साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि भरत का सिर धन्य हुआ, यहां तक तो समझ में आई कि भाभी के चरणों में रखा, लेकिन सीता के पैर क्यों धन्य हुए? भरत का सिर इसलिए धन्य हुआ कि जिन चरणों में रखा गया यह सामान्य चरण नहीं है, यह मिथिला की राजकुमारी, अयोध्या की महारानी, उस भारतेश्वरी के वो पवित्र चरण हैं जिसने तीनों लोकों पर अधिकार करने वाले लंका के अधिपति रावण के अहंकार में लात मार दी थी, ये उसके चरण। ये कोई सामान्य चरण नहीं है, लेकिन जितना प्रतिसाद आपका इस बात पर मिला इससे ज्यादा शायद दूसरी बात पर आए। लेकिन ये जो सिर रखा गया इन चरणों में, यह भी कोई सामान्य सिर नहीं है, ये वो सिर है जिसके ऊपर 14 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा राज मुकुट रख दिया गया था और उसने उस मुकुट को नीचे उतार कर अपने भाई की जूतियां सिर पर रख ली थी, ये वो सिर है।